टंडन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस मेगा डे की तरफ, जहां पे आज मेगा मर्जर भी हमको देखने को मिल रहा है। आज लेवल के हिसाब से, कन्विक्शन के हिसाब से, वो फील, वो स्क्रीन आपको वापस से दिख रही होगी जब टिपिकली FIs मार्केट के अंदर आते थे और आप किसी भी डिप को बाय के लिए इस्तेमाल करते थे। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं अपने सवाल को दो हिस्सों में बांटूंगा। पहले हिस्से का सवाल ये पूछता हूँ आपसे कि आज के मार्केट को देखने के बाद या पिछले दो तीन दिन से जो FIs बाइंग कर रहे हैं वो देखने के बाद, आपको लगता है कि बाजार के अंदर आप कोई भी डिप होगा वो बॉट होगा, यानी कि खरीदा जाएगा? मर्जर बोथ HDFC बैंक और HDFC का बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन का साइन है और ये काफी टाइम से पेंडिंग था। HDFC को रेगुलेटरी चैलेंजेस आ रहे थे, उसके कारण ये मर्जर होना ही था। बट इसके और भी रेमिफिकेशंस होंगे। हम लोगों को ये देखना है कि क्या कंबाइंड एंटिटी में म्यूचुअल फंड को 10% के ऊपर शेयर होल्डिंग अलाउड नहीं है। तो लोग अब आज की तारीख में मेजोरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में HDFC ट्विन का वेटेज मोर देन 10% है, अगर कंबाइंड वेटेज की बात करें तो। वो एक इशू आएगा हम लोगों को, जो सेम इश्यूज हमने रिलायंस इंडस्ट्री में फेस किया, जब रिलायंस का वेटेज बढ़ गया तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया मोर देन 10%, तो वो एक अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क उधर स्टार्ट होता है। दूसरा इशू इसमें आता है कि 5% के ऊपर कोई भी बैंक RBI से अप्रूवल लगता है तो वो एक हमेशा एक चैलेंजेस रहेगा कि आपका स्टेक अगर बढ़ाना है तो RBI का अप्रूवल आएगा, जो इमीडिएटली नहीं आता है, इट हैज ओन प्रोसेस। ओके, तो वो दूसरा हर्डल क्रिएट होता है। तीसरा इसका एक इम्पैक्ट और भी आता है कि कोई भी FPI या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है, एक ग्रुप में इतना लार्ज एक्सपोजर रिस्क परस्पेक्टिव से अलाउ नहीं करता है। ओके, तो हम लोगों को ये देखना है कि जो 6 या 7 या 8% का जो FIs का वेटेज स्टॉक में जो बढ़ेगा ओवर पीरियड टाइम, वो क्या उतना ही सेलिंग हमको आएगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से या बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट से। तो वो एक पर्सपेक्टिव को भी हमको बहुत पैकेट में ध्यान में रखना चाहिए। ये एक टेक्निकल फैक्टर है और मार्केट में निफ्टी की वॉलिटी भी इसके कारण बढ़ेगी। जैसे रिलायंस और HDFC ट्विंस का कंबाइंड वेटेज बहुत ज्यादा होगा तो ये दो स्टॉक्स के मूवमेंट पे निफ्टी का भी स्क्यूनेस बढ़ने वाली है। तो ये एस्पेक्ट हमको बैकग्राउंड में जरूर ध्यान रखना चाहिए, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है फ्रॉम द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल संदीप, किसी भी मर्जर के लिए RBI से पहले इनफॉर्मल अप्रूवल लिए जाते हैं, बगैर इनफॉर्मल अप्रूवल के ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मर्जर को RBI से अप्रूवल मिलने की उम्मीदें फिलहाल कितनी दिख रही हैं? देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि 100% मिलेगा और इस तरह के बड़े बड़े अप्रूवल्स जो होते हैं वो बिना RBI के कंसेंट से नहीं होते हैं। इनफॉर्मल अप्रूवल पहले ले लिया जाता है, उसके बाद इस तरह के अप्रूवल्स को अनाउंस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं RBI की ब्लेसिंग जरूर होगी, बट फॉर्मल अप्रूवल में जरूर टाइम लगेगा, बट आई थिंक कंसेंट होगा तभी इतना बड़ा अनाउंसमेंट आता है। बिना RBI के कंसेंट लिए इनफॉर्मली इस तरह के डिसीजन अनाउंस नहीं किए जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये तो इस मेगा मर्जर पर बात हुई संदीप, आप लेकिन अब ओवरऑल आपका मार्केट पर क्या व्यू बनकर निकल रहा है? हम देख रहे हैं कि 18,000 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। आपको लगता है कि जितने भी हेडविंड्स थे, जो भी कंसर्न्स थे बाजार में, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होनी थी वो अब प्राइस इन हो गई हैं, फैक्टर इन हो गई हैं, दैट द वर्स इज ऑल ऑलरेडी बिहाइंड अस? देखिए, मार्केट में अभी 18,000 के ऊपर वापस एक्साइटमेंट है, थोड़ा यूफोरिया होने लगा है। जब भी ऐसा यूफोरिया आता है या इस तरह का कॉम्प्लेंसी बिल्ड होता है मार्केट में तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ। सेम सेक्टर में जहां कॉम्प्लेंसी आ गई है, जैसे बीच में IT सेक्टर में बहुत कॉम्प्लेंसी थी, आपने देखा वहां करेक्शन हुआ, अभी आज ये HDFC ट्विन का अनाउंसमेंट आया तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को लेके भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेंसी आएगी और ये दो ट्विन्स पुट टुगेदर तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आ सकता है। तो वो करेक्शन हम बहुत नियर टर्म के एंगल से देख रहे हैं, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो मैंने हमेशा बोला है कि फाइनेंशियल्स का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। फाइनेंशियल्स सेक्टर हैज पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म IT स्टॉक्स आल्सो। तो ये वैल्यू थीम में अच्छे से क्वालिफाई भी करते हैं काफी, पूरा फाइनेंशियल ऐसा थीम बीटन डाउन है, काफी टाइम सेंटर परफॉर्मेंस भी रहा है तो लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। ओके, बट इमीडिएट बेसिस पे, नियर टर्म बेसिस की अगर बात करें तो इतना बड़ा मूव आने के बाद करेक्शन और कंसोलिडेशन सब स्टॉक्स में होता है। आई थिंक HDFC ट्विंस भी उसी फेस को फॉलो करेंगे।
हाँ राइट बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, इस मेगा डील पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, बाजार पर अब आप क्या व्यू रख रहे हैं ये हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे हमारे